अस्सलामुअलैकुम। मेरी वीडियो देखने वाले तमाम लोगों को एक बार फिर बहुत बहुत खुशामदीद। आज की वीडियो किसी व्लॉग के हवाले से नहीं है, बल्कि एक इंतहाई हसास टॉपिक है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। मैंने एक दो व्लॉग्स बनाए थे, अगर आप लोगों ने देखे हों, उसके अंदर मैंने जो है वो फिजियोथेरेपी अपनी अम्मी की शेयर की है। उसके अंदर एक करीबी प्राइवेट क्लिनिक है, वहाँ पर जाकर हम ट्रीटमेंट करवा रहे थे। तो उसी दौरान की बात है, जिस दिन हमारा पहला दिन था, हम अपॉइंटमेंट मिल गई थी हमें, उस दिन की बात है कि मेरे साथ एक बच्ची आई, आकर मेरे साथ वाली सीट पर बैठ गई और उसके साथ उसके डैडी होंगे, डैडी थे तकरीबन। तो बच्ची जो है वो तकरीबन उसकी उम्र होगी 9 साल, 8 साल से 9 से ज़्यादा नहीं होगी, और बहुत ही प्यारी मासूम सी बच्ची, और मुझे देख के मुस्कुराने लगी। तो मैं भी उसको देख के, एक होता है बंदा खुद भी देख के, मैं बच्ची है ऐसी बात है, प्यारी थी वो, प्यारी भी थी, तो मैं भी मुस्कुरा गई उसको देख के। तो मुझसे कहने लगी कि आप जो है किसको दिखाने के लिए, आप खुद दिखाने आई हैं क्लिनिक में? तो मैंने कहा कि नहीं, मेरी अम्मी जो है उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो बच्ची मतलब इस तरह बात कर रही थी, तो अपनी उम्र से ज़्यादा मतलब मुझे मासूम लगी वो, महसूस हुई। फिर बातों बातों में मैंने उससे पूछा कौन सी क्लास जाती हो, कौन सी स्कूल जाती हो, तो कहने लगी नहीं अभी मैं स्कूल नहीं जाती। तो उसके दोनों पाँव में बच्ची के कुछ तकलीफ़ थी, अब ये मुझे अंदाज़ा नहीं है कि वो जो है तकलीफ़ उसको पैदाइशी थी या जो है बाद में हुई, क्योंकि बच्चों से इस तरह की बातें करना, और लड़कियां वैसे भी हसास होती हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मुनासिब नहीं लगा मुझे बच्ची से पूछना कि क्या तकलीफ़ है, तो मतलब पैदाइशी है या कैसी, मैंने नहीं पूछा उससे। तो मैंने उससे पूछा कि कौन सी, कब से ट्रीटमेंट है? तो उसने बोला कि मुझे पता नहीं 1 वीक हो गया यहाँ पर आते हुए। तो बस इस तरह से बातचीत हुई उससे थोड़ी देर, फिर मेरी अम्मी जो है वो आधे घंटे की फिजियोथेरेपी थी, अम्मी फ्री हो गई और हम वापस आ गए। फिर एक दिन, अगले दिन हमने गैप दे दिया। उसके बाद दूसरे दिन जो है वो फिर हम गैप के बाद गए एक दिन से, तो वो बच्ची फिर वहाँ पर मेरे आने के बाद आई, तो काफ़ी पेन में लग रही थी बच्ची बेचारी। वो जो है वो उसको कुछ जो हाथ में होता है, इन लोगों के जो थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, फिजियोथेरेपी लोग करवाते हैं तो उनको मालूम होगा, वो स्टिक्स होती हैं वो पकड़ के, और वो ऊपर आ रही थी, सीढ़ियाँ चढ़ रही थी क्लिनिक की ना। तो इसके डैडी भी उसके साथ फिर दोबारा आए, तो उसको बिठा कर और वहाँ छोड़कर चले गए। तो उससे मैंने उससे पूछा कि जो है वो आपकी मम्मा नहीं आई साथ आज भी? ऐसे ही बातों बातों में पूछा, तो कहने लगी कि नहीं मम्मा नहीं आई, मम्मा मेरी जो है वो जॉब करती हैं, तो डैडी भी जॉब करते हैं, मुझे छोड़ के गए अभी। मैंने कहा अच्छा। तो उस तरह से फिर और वहाँ पर पेशेंट्स वगैरह आके बैठ गए। तो मुख्तसर ये कि मुझे ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरत हुई मुझे कि बच्ची आप देखें माशाल्लाह से 9 साल की बच्ची, और मतलब एक ऑफिस जाते हैं, वो भी जाते हैं, उनकी वाइफ भी जाती हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई बुराई नहीं है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन देखें एक बात मुझे ये हैरान कर गई कि यार रात तकरीबन 7:45 का टाइम हो रहा था, ठीक है, और इस टाइम पे जो है एक छोटी बच्ची घर से बिल्कुल अकेली, और उसके फादर जो है उसको वहाँ पे बिठा के उसका नंबर लेके और जो है वो काउंटर पे कह के चले गए घर पे ना फ्रेश होने के लिए। तो ठीक है चलो यार, इसमें भी कोई गलत बात नहीं, बंदा ऑफिस से आता है, बच्ची को अपॉइंटमेंट दिलवा दी, उसकी रोज़ की ट्रीटमेंट है, ऐसी बात है। लेकिन ऑब्जेक्शन मुझे थोड़ा सा इस बात के ऊपर हुआ कि बच्ची को उस तरह तन्हा अकेले दूसरों के रहमो करम पर छोड़ देना, तो ये मतलब उनको खुद इस बात का एक वो नहीं होना चाहिए कि अगर विल्फर्स देखें, हो सकता है वो पेरेंट्स इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हों, तो उनको जो है मैं यही उनको कहना चाहूँगी, उनको और आप जैसे भी देखें बहुत सारे पेरेंट्स हैं, मामा अम्मी बच्चों की मम्मा ये सब देख रही होती हैं, तो देखें बच्चे की जिम्मेदारी हमारी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद होती है, ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, आप ये सोचें जो मैं सोच रही हूँ, देखें आप भी ये समझ रहे होंगे बात, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता वो बच्ची मिसप्लेस हो जाए, या कोई खुदा ना खास्ता इस तरह का बंदा उसे कहीं देख रहा हो उसे, या वो बच्ची ये छोटी उठ के बाहर चली जाए, गेट पे चली जाए, वो छोड़ के पता नहीं घर कितनी दूर था मुझे नहीं मालूम, वो घर छोड़ के उसको चले गए फ्रेश होने के खातिर। चलो ठीक है, मसरूफियात होती हैं, बंदे को अपने भी काम होते हैं, ऑफिस की थकान है जो भी है, लेकिन एक इस बात से आप ये देखें अंदाज़ा लगाएं कि कितने बड़े एक हादसे को दावत देने वाली बात है ना ये, कि अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, देखें किसी का कोई भरोसा नहीं है आज के दौर में, किसी का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। हमें अपने बच्चों की, अपने प्यारों की खुद हिफाजत करनी चाहिए, खुद संभाल के रखना चाहिए, ठीक है। अब वो साथ में एक पेशेंट बैठी हुई थी, तो उसके फादर जो है वो उनको कह के चले गए मेरे सामने कि आप जो हैं इनका इसका ख्याल रखिएगा और मैं जा रहा हूँ कुछ देर के लिए।
अच्छा ठीक है, वो कह के चले गए। वो जो आंटी थी उसके साथ बैठी वो बातें करने लगी, तो बातें कर रही हैं ठीक है, उनका भी नंबर आया, बाद में बच्ची का भी नंबर आया। तो यार आप ये देखें कि खुदा नखास्ता वो अंदर अकेले जा रही है ठीक है, अंदर किस किस्म का माहौल है। वो मैं नहीं कह रही, क्लिनिक ओवरऑल बिल्कुल ओके है, हमने खुद वहाँ से ट्रीटमेंट करवाई है, अभी भी करवा रहे हैं, लेकिन फिर बाद में यही कहूँगी अगेन कि किसी के ऊपर भी हम ट्रस्ट तो इस तरह से नहीं कर सकते। आप उस आंटी को कह के चले गए, खुदा नखास्ता अल्लाह ना करे कोई आजकल, आप यार देखें मीडिया और टीवी ड्रामे कितने हमने देखे हैं इन टॉपिक्स के ऊपर ठीक है, इतनी अवेयरनेस दी जाती है लोगों को, मीडिया भरा पड़ा है, न्यूज़ आए दिन रोज़ाना डिफरेंट चैनलों से न्यूज़ आ रही होती हैं, यूट्यूब पे हम देख रहे होते हैं कितनी ज़्यादा न्यूज़ के हवाले से हमें बताया जा रहा होता है कि खुदा ना खास्ता बच्ची के साथ तशद्दुद, और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह माफ़ करे, दिल दहला देने वाली हज़ारों ऐसी बातें हैं कि जो मुँह से बोलते हुए भी वो नहीं होता। देखें कहने का मकसद सिर्फ ये है कि बच्चियाँ जो होती हैं ना इस उम्र की, 8 साल 9 साल 12 साल, ये इंतहाई बच्चियाँ कमसिन मासूम होती हैं ठीक है, अल्लाह ना करे कोई ज़रा से बहकावे में आ सकती हैं, बच्ची बच्ची ये मासूम है, और वो बच्ची तो स्कूल भी नहीं जाती थी। अब ये देखें बच्चियाँ स्कूल जाती हैं, उनको थोड़ी सी नोहा होती है, बच्ची स्कूल भी नहीं जाती थी, और मुझे ये अफसोस हुआ इस बात का कि वो जो है ना, मतलब कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, मेरी दुआ है बस कि वो खैर खैरियत से बच्ची अपने घर पहुँच गई हो ठीक है। और बस यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि देखें जो पेरेंट्स वगैरह मेरी वीडियो इस वक्त देख रहे हैं, खुदारा प्लीज़ अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा हिफाजत करें, उनका ख्याल रखें ठीक है। आप लोग खुद भी समझदार हैं, मीडिया दौरे देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को जो है या तो वो लाइटली लेते हैं या अवेयरनेस नहीं है। बच्चों का ध्यान रखना हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर खुदा ना खास्ता रात के उस पहर बच्ची अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई मसला हो जाए, कुछ हो जाए, तो फिर सोचें आपके कौन ज़िम्मेदार है। आप ढूंढें कुछ भी करें, लेकिन उसके साथ तो खुदा ना खास्ता कोई नागहानी गुजर सकती है ना। तो बस यही है कहना, मुझे एक फीलिंग आई, मैंने कहा मैं शेयर इस बात को करूँगी लोगों के साथ कि जो कोई भी अगर मेरी वीडियो को देखे इस बात को, मेरी दूसरों को भी अवेयरनेस देनी चाहिए, आप सुने देखें कोई भी ऐसी बात। किसी एक, मैंने अभी कुछ अर्सा पहले न्यूज़ में देखा था, एक चैनल पे देखा था, इससे यूट्यूब से ही देखा था कि जो है वो एक बच्ची इसी एज की थी बिल्कुल जिस तरह की मैं बच्ची आपको बता रही हूँ, वो बेचारी बच्ची पैदाइशी जो थोड़ी सी पैरालाइज थी वो, तो उसको जो है वो क्या कहते हैं ट्यूशन जाती थी वो बच्ची पढ़ने के लिए, और उसी घर में जो है वो बच्ची की उम्र होगी 10 साल और 21 साल का लड़का था घर में, वो बच्ची को अब्यूज़ कर रहा था काफ़ी टाइम से, और बच्ची जो थी वो डर के मारे खौफ के मारे किसी को बता नहीं पा रही थी। तो ये बचपना होता है, जाहिर सी बात है, बच्ची है, बच्चे अगर उसको डरा दिया जाए, खौफ ज़्यादा कर देते, बच्ची कभी भी, कोई बच्चा अपने मुँह से, बच्चा भी हो लड़का भी हो, वो कभी बच्चा, यही तो बचपना है ना, वो खौफ के मारे कभी इस चीज़ को बयान ही नहीं करेगा किसी के सामने। तो बेहतर यही है, अल्लाह ना करे हम किसी हादसे से दो चार हों, इस तरह हादसा को बढ़ावा देने वाली बात है, इसको कंट्रोल करना चाहिए, खुद अपना ख्याल रखें, अपने बच्चे का ख्याल रखें। और बस ये बात मैंने आपके साथ शेयर करनी थी आज, और अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए जो है बहुत माजरत, लेकिन मैं फिर यही कहूँगी कि देखें जिम्मेदारी हमारी अपनी है, खुद है, किसी, मैं ये नहीं कह रही कि सब गलत है ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि सारी दुनिया गलत है, लेकिन देखें ना हादसे भी तो हुए हैं ना, इसी दुनिया में होते हैं ना, किसी रक्षे वाले पे आप ऐसे नहीं करें भाई बच्चे को बिठा दिया आपने, छोड़ दिया भाई हाँ ये पहुंचा देगा चला जाएगा ठीक है। इसी तरीके से हज़ारों लाखों ऐसे हादसे होते हैं, हर रोज़ होते हैं ठीक है। तो बस यही पैगाम है मेरा कि जो है अपना और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें आजकल के दौर में। और बच्चियों को लोग कहते हैं कि भाई ड्रेसिंग कराई हुई थी, यूँ ड्रेसिंग करी हुई थी बच्ची ने, बड़ी मॉडर्न थी ये वो, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ठीक है, ड्रेसिंग कराएं बिलाशुबा, आप अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाएं, इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है, बस ये कि उसकी केयर करें बहुत ज़्यादा और बच्चों को गाइड करें इस हवाले से, बच्चियों की स्पेशली जब इस साल की उम्र की होती हैं 7 साल 8 साल 9 साल से लेके 12 साल तक, बच्चियों को उनको गाइड करें, समझाएं कि जो है इस तरह से होता है बेटा, आपको किसी के साथ, मैंने फिर भी आप यकीन करें, मैंने उस वक्त उस बच्ची को बोला, मैंने कहा बेटा जब तक आपके अब्बू आपको लेने के लिए नहीं आए आप यहाँ से कहीं जाइएगा नहीं, ऐसा ना हो कि कोई आपको बोले हम तुम्हें घर छोड़ते हैं ये, क्योंकि देखें रात का टाइम और वो चौरंगी बिल्कुल एकदम सन्नाटा था बाहर क्लिनिक के, कुछ भी नहीं। तो इस हवाले से मुझे बहुत एक बच्ची की फ़िक्र से हुई देख के, बस अल्लाह ताला रहम करे सबके हाल पर, अल्लाह ताला हम सब का जो है वो निगहबान हो, और बस यही कहना चाहती हूँ मैं, और ये मेरा पैगाम था आप सबके लिए, देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ने